तो मेरी शादी वैसे ही हुई है कि मैं मुझे पता भी नहीं चला मेरी शादी हो गई। उनकी जो सीरत है वो उनकी सूरत से कहीं अच्छी है। और पाकिस्तान में तो मैं दो नाम लेना चाहूंगी जिनके साथ मैं एज हीरोइन आना चाहती हूँ, एक शान और एक मोहम्मद राना। मेरी 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 ख्वाहिश है कि अगर मैं कभी मूवी करूँ तो मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ करूँ या लव ट्राइंगल। हुमा मेर ऑफिशियल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ है प्यारी सी नताशा अली, खास तौर पर कराची से हमारे पास आई हैं। कैसी हैं नताशा जी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का। नताशा जी कहाँ गायब हैं आजकल आप? मैं यही गायब हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं अभी कराची से नहीं आई हूँ। कराची जाऊंगी जरूर, लेकिन शादी के बाद मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, और इस्लामाबाद अब घर है मेरा क्योंकि वहां पे मैं अपने मियाँ के साथ होती हूँ, लेकिन काम के लिए लाहौर और कराची ट्रैवलिंग वैसे ही हो रही है जैसे पहले शादी से पहले होती थी। सही, तो शादी के बारे में बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस, और शादी से पहले क्या खौफ थे और बाद में? शादी से पहले बहुत खौफ था मुझे शादी करने का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहुत सारे शायद अपने इंटरव्यूज में भी कह चुकी हूँ कि मैं थोड़ा डरती हूँ शादी से, और मैं अभी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत सारे अनगिनत इंटरव्यूज में ये कहा है, अगर आप क्लिप्स निकालें, कि मैं अभी नहीं करना चाहती शादी, अभी मैं करूंगी, अभी तो मैं काम कर रही हूँ। लेकिन वहीं पर मैंने ये भी बहुत दफा कहा कि जब होनी होगी ना, किस्मत में जब लिखा होगा, तो शायद मैं भी नहीं रोक सकती। तो मेरी शादी वैसे ही हुई है कि मैं मुझे पता भी नहीं चला मेरी शादी हो गई। तो आई मीन एक्सपीरियंस की अगर आप बात कर रही हैं, तो लाइफ इज टोटली चेंज्ड नाउ। जो पहले मेरी जिंदगी थी शादी से पहले, वो कुछ और थी, जमीन आसमान का फर्क आ गया। मतलब किस लिहाज से आप कह रही हैं? ये कि पहले मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बिल्कुल, और मैं अपने घर की एक ही बेटी हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह से मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं है, उठाई नहीं है। और अब जब शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी है सर पे, जैसे खाना बनाना, खाना मुझे बनाना आता है क्योंकि मैं कराची में, आपको पता है, बहुत अरसा रही हूँ अकेली अपने काम के लिए, तो खाना बनाना, घर के काम करने सब मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ था। लेकिन मैं उस तरह से करती नहीं थी, मूड होता था तो करती थी, नहीं करती थी तो नहीं करती थी। अब शादी के बाद जब मेरे मियाँ ने कहा कि खाना था तुम ही बनाओगे, नौकर तो है बेशक घर में, तो अब खाना मुझे रोज बनाना होता है। तो ये है कि शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या रोज खाना बनाना पड़ रहा है नॉल, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी होता जा रहा है कि पहले जो मैं अर्ली राइजर नहीं थी, अब मैं अर्ली राइजर हूँ। अब मैं अपने मियाँ से पहले उठती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, उनके कपड़े निकालने के लिए, उनके जूते सिलेक्ट करने के लिए, उन्होंने सब कुछ ही मेरे पे डाल दिया है कि वो अब कुछ नहीं करते। ये मैंने उनका बहुत ही नुकसान कर दिया, वो अब सिर्फ उठ के कहते हैं मैं उठ गया हूँ बस। अब कपड़े जूते परफ्यूम तक कौन सा लगाना है वो मैं आगे रखती हूँ। तो मतलब वो इतना मतलब डिपेंडेंट हो गए हैं वो मुझ पे। तो आप इतनी अच्छी मशरिक की बीवी बनेंगी, आपने खुद भी सोचा था? हाँ वैसे आपस की बात है, मैंने सोचा हुआ था क्योंकि मैंने सारी जिंदगी अपनी अम्मी को भी यही सब कुछ करते देखा है ना। सही। तो आपको पता है बेटी जो होती है वो माँ का ही एक मतलब एक दूसरी चीज होती है, अपनी माँ की कॉपी होती है वो। तो मुझे ये लगता था कहीं ना कहीं कि जब मैं बीवी बनूंगी तो शायद मैं ऐसी ही बीवी बनूंगी। मैं बड़ी इंस्पायर होती थी अपनी अम्मी को देख के ना, और मेरे फादर के साथ उनका कैसा बिहेवियर होता था, किस तरह से वो बात करती हैं अभी तक हमेशा माशाल्लाह से, तो आप हुजूर हुजूर करके, तो हुजूर हुजूर तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ वो आप करना ये वो, तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे थोड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं इस बारे में कि तुम थोड़ी सलीके वाली हो। आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? मेरे मियाँ की मुझे सबसे अच्छी, बहुत सारी माशाल्लाह उनकी अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छी बात आई थिंक मुझे ये लगती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, या अभी भी मैं रिस्पॉन्सिबल अगर हुई हूँ तो सिर्फ अपने घर और अपने मियाँ के लिए हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो कराची में होते हैं, मैं अपने मियाँ के साथ इस्लामाबाद में होती हूँ, हम दोनों वहां पे अकेले होते हैं, मेरे मियाँ की पोस्टिंग है इस्लामाबाद में। तो क्या करते हैं आपके इसमें? मेरे मियाँ सिविल इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और उनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है ना। तो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय, उनको अपने हर काम की, उनको इवन मेरे जो काम होते हैं जो मैं भूल चुकी होती हूँ उनको वो भी याद होते हैं कि इस टाइप में ये काम करना है, ये काम करना है, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल बहुत है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती थी, मुझे सब कहते थे कैसा मियाँ चाहिए, तो मैं कहती थी लविंग केयरिंग तो होना चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं है वो हसीन आदमी मुझे जिंदगी में मिले। मेरे मियाँ माशाल्लाह हैंडसम है, उनकी जो सीरत है वो उनकी सूरत से कहीं अच्छी है। जबरदस्त। तो मियाँ बीवी तो चले प्यार तो होता है, लेकिन झगड़ा किस बात पे होता है? झगड़े बहुत होते हैं। किसी एक कोई बात बता दें।
झगड़ा पता है मुझे, मैं पता है इस्लामाबाद में क्योंकि अपने मिये के साथ ही हूँ और इस्लामाबाद में मेरे मिये के अलावा कोई भी नहीं है, तो मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है इस्लामाबाद में। अब मुझे तो पता ही नहीं था मेरी शादी उठा के इस्लामाबाद में हो जाएगी जहाँ पे मेरा कोई है ही नहीं है, ना काम है। आपको पता है इस्लामाबाद में शोबिज़ का कुछ भी नहीं, लाहौर और कराची में ही काम है बस, उसके अलावा तो काम नहीं है। तो मैं वहां पे सिर्फ, मेरी कुल कायनात इस्लामाबाद में मेरा मिया है। ओके, तो जब वो मुझे कभी लगता है ना कि टाइम नहीं दे रहे हैं मुझे, या मेरे मैसेज का लेट रिप्लाई कर रहे हैं, या आज मुझे इन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो मैं थोड़ी चिढ़ जाती हूँ उस पर। तो जब मैं चढ़ती हूँ तो फिर मैं उल्टी सीधी बातें करती हूँ, जाहिर है। तो जब मैं उल्टी सीधी बातें करती हूँ तो फिर लड़ाई होती है। सही नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी के बाद उन्होंने काम के हवाले से तो कोई नहीं रोका आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड। मैं हमेशा ये कहती थी कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे शादी करे जो मुझे काम से ना रोके। इनफैक्ट उल्टा हो गया है, वो मुझे कहते हैं कि खुदा का वास्ता जाओ काम करो। सही। और मैंने शादी के शुरू के 4-5 महीने तो कोई काम ही नहीं किया। ओके। मैंने शोज तक नहीं किए, मैं आप बिल्कुल गायब हो गई जी। मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, शोज तक नहीं किए, मैंने 4-5 महीने बिल्कुल काम नहीं किया था। मैंने ये अभी 4 महीने से काम करना शुरू किया है वापस। अब मैं 2 सीरियल्स भी कर रही हूँ हम टीवी के, या मैं निदा का बाकी सब शोज वगैरह जो है वो मैं करती रहती हूँ, 1-2 कमर्शियल्स भी कर लिए। तो 5 महीने तो आई थिंक मैंने ठीक किया, क्योंकि मुझे ना हमें एक दूसरे को समझने में टाइम चाहिए था, क्योंकि हमारी कोई लव मैरिज तो थी नहीं कि हम पहले से समझते थे। तो लव वन साइड भी नहीं था, उनकी तरफ से भी नहीं था। उनकी तरफ से था थोड़ा, यू कैन से, क्योंकि रिश्ता भी उन्होंने ही भेजा था, उनकी तरफ से था थोड़ा। और मुझे ये लगता था कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ तो शायद रह ही नहीं सकती कि जिससे मेरी, मैं जानती नहीं हूँ जिसको, और ये वो। तो वो बहुत आनन फानन लॉकडाउन में शादी हुई, और मुझे अपने आप को, अब हुई ऑफ कोर्स, मतलब मेरी मर्जी से ही हुई, लेकिन मुझे अपने आप को समझाने के लिए ये करना पड़ा कि यार अभी 4-5 महीने ना मुझे बहुत टाइम देना है मुझे इनको समझने के लिए। और अभी तक हमें एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये लेवल है। सही है, अभी तक समझ। अच्छा नताशा जी, ड्रामों में तो आप आ रही हैं, तो हम आपको फिल्मों में देखेंगे? मूवीज में भी अब देख सकते हैं, क्योंकि पहले तक मैं हमेशा कहती थी मेरे घर वालों की तरफ से मुझे परमिशन नहीं थी मूवीज में काम करने के लिए। अब मेरे मियाँ ने मुझे कहा है कि तुम करो मूवी। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में बहुत अच्छी मूवीज बन रही है और बड़ी फैमिली ओरिएंटेड, बड़े मशरकी हीरोइंस वाली मूवीज। हाँ, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। तो कौन से हीरो आपको पसंद है पाकिस्तान में से? यार पाकिस्तान में तो मैं 2 नाम लेना चाहूंगी जिनके साथ मैं एज हीरोइन आना चाहती हूँ, एक शान और एक मोहम्मद आला। रियली? यस। मम्मी भाई तो आए हुए हैं आज हमारे पास, वो तो आए हुए हैं। हाँ, तो हम आपको इकट्ठा एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मेरी 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 ख्वाहिश है कि अगर मैं कभी मूवी करूँ तो मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ करूँ, या लव ट्रायंगल बन जाए। अच्छा जबरदस्त। तो अच्छा, मूवीज में तो डांस भी करना पड़ता है, तो डांस आता है आपको? जी मुझे डांस आता है। वाह, तो कहीं से सीखा था या खुद ही? नहीं, सीखने वीखने का मेरे खानदान में छत्तर पड़ता है मुझे। अगर मैं करती तो वो बस यही कि वो जो बचपन में माधुरी की मूवीज देख के और उनकी उनकी डांस परफॉर्मेंसेस देख देख के उनको कॉपी किया करती थी। तो बचपन में तो स्कूल में और कॉलेज तक में भी फन फेयर्स में तो बहुत ज्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया एज बहुत सारे गानों पे, माधुरी के ही गानों पे डांस करके ना। और इसके अलावा मैंने शोज में भी बहुत सारे, मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको पता है कि मैं बहुत सारे शोज में, उसके अलावा भी अवार्ड शोज में भी मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दी। जबरदस्त। तो बस ऐसे ही बस देख देख के। तो नताशा जी, क्या बचपन से ही शौक था कि आपको आप इस फील्ड में आएंगी? हाँ, बचपन से। सही, जबरदस्त। अच्छा, जब आप स्टार्ट में आई तो किसी ने फेस मिलाते हैं कि आपका उससे मिलता है, आपका उससे मिलता है, तो आपको किसी ने कहा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन बस ये है कि वो आयशा उमर को मुझसे मिलाते हैं और मुझे आयशा उमर से मिलाते हैं बहुत सारे लोग। जी, ऐसा लगता है। और नहीं किसी से मिलवाया मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच नताशा जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।